नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में और मैं मोनिका। आज मैं आपको 3 फेस पैक बना के दिखाऊंगी जो इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए। दोस्तों, स्किन की जो चमक होती है समय के साथ वो चली जाती है, कारण भाग दौड़ की ज़िंदगी में इतना टाइम नहीं होता है कि हम रोज़ ही CTM करें, रोज़ ही उतना चेहरे की तरफ तवज्जो दे पाएँ, क्योंकि लाइफ बड़ी बिजी हो गई है। भाग भाग के हम बच्चों को स्कूल बस तक पहुंचाते हैं, भाग भाग के हम ऑफिस तक पहुंचते हैं, भाग भाग के वापस आते हैं, मतलब सब एकदम। और जो लोग घर पर भी रहते हैं उनकी लाइफ तो और भी डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि सारा काम ही मतलब एकदम एक के बाद एक करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बिजी हो गए हैं। तो आज मैं आपको दूंगी 3 ऐसे बेहतरीन उपाय कि आप अगर हफ्ते में 2 बार भी उसका इस्तेमाल कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपका रोज का CTM हो जाएगा उससे। तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ वही देखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कुदरत केयर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, या कोई और ऐसा एडवाइस है आपकी, कोई सलाह सुझाव है आपका जिसको फॉलो करके मैं अपने वीडियोस को थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। मुझे खुशी होगी जान के आप अपना समझ के वो एडवाइस दे सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 ऐसे फेस पैक बना के दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो में प्रिकॉशंस भी होंगे तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। ओके फ्रेंड्स, देखो ये मैंने सामान ले लिया है। यहाँ ये है मसूर दाल का आटा, मसूर दाल वही लाल वाली बिना छिलके की जो हम घर में खाते हैं, और साथ में है विनेगर, ये है नीम ऑयल और ये है अपना विटामिन ई का कैप्सूल। सबसे पहले हम मिलाएंगे इसमें 1 चम्मच मसूर दाल का पाउडर। आप अपने हिसाब से बनाएं, आपको जितनी क्वांटिटी आपको लगता है कि आपके लिए सफिशिएंट है आप उतनी ही बनाएं। और इसको मिक्स करना है हमको विनेगर में, विनेगर उतना ही डालना है आवश्यकता के अनुसार। साथ साथ में मिक्स करें इसको। थोड़ी देर अगर रखेंगे तो थोड़ा सा फूल भी जाता है, तो थोड़ा सा पतला ही बनाएं। आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप मिक्स करेंगे विटामिन ई का कैप्सूल। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब पिंपल्स हैं, बहुत ऑयली है तो आप मिक्स करेंगे नीम ऑयल, वरना ये जो है ये स्टैंडर्ड अपना फेस पैक तैयार है पहला। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने सामान लिया है, ये गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर है, ये मैंने अमेजोन से लिया है। मुझे 5 का कुछ ऐसा पैक आया था, उसमें मुल्तानी मिट्टी भी थी, ये भी था, और ऑरेंज का जो छिलके का पाउडर होता है वो भी था। तो ये मैंने ले लिया है देखो यहाँ, और मेन इंग्रेडिएंट यही है अपना आज। सबसे पहले हम मिक्स करेंगे ये 1 चम्मच, ये देखिए इस तरह से। अब इसमें मिक्स करेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, ये देखिए इतना ही डालना है आपको। थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से पहले, फिर देखेंगे कि मतलब रोज वाटर, कच्चा दूध या जो भी आप मिक्स करना चाहें उसको पतला करने के लिए कितनी आवश्यकता है उसकी। दोस्तों ये जो पैक है ना, ये सब टाइप की स्किन के लिए, कील, मुहासे, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, जो भी है आपको एज इट इज लगाना है, उसमें कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है आपको। ये एक परफेक्ट पैक तैयार है दोस्तों। ये देखो ये मैंने सामान ले लिया है यहाँ, ये चंदन पाउडर है, ये हल्दी है, ये बेसन है और ये शक्कर है, चीनी मतलब जो हम किचन में चाय वाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 चम्मच बेसन इस तरह से। बहुत ज़्यादा पैक बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि 3 इंग्रेडिएंट्स मेन है इसमें जो हम मिक्स करेंगे। चीनी जो डालनी है वो बिल्कुल ऐसे 2-4 दाने ही डालने हैं, ये देखिए ज़्यादा नहीं मिक्स किया है मैंने, इतना ही डालना है आपको भी। और चंदन पाउडर जो डालना है वो है जितना हमने बेसन डाला है उतना ही डालेंगे, यानी 1/2 चम्मच हमने डाला है बेसन, इतना देखिए इतना ही ये डालेंगे। अभी हम हल्दी डालेंगे तो मुझे ये स्पून को क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा।
अब जितना बेसन है, जितना चंदन पाउडर है, उतनी ही हमने हल्दी मिलाई है। देखिए इस तरह से। अब हम इसको मिक्स करेंगे रोज वाटर से। रोज वाटर डालना है, साथ साथ में आपको हिलाना है। उम्मीद है कि तीनों जो फेस पैक है आपने ध्यान से देख लिए होंगे, मात्रा का ध्यान रखा होगा, बनाना कैसे, किन चीजों का ध्यान रखना है, सब ध्यान से देख लिया होगा। और अगर कोई एक आध चीज छूट भी जाए ना, तो वीडियो को दोबारा से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कितनी भी बार आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाय।